हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम लोग एमटीएस के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। एमटीएस में क्लोज टेस्ट और फिलर टेस्ट जो पूछता है, तो उसमें से बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है। करीब करीब 5 नंबर का आपका क्लोज टेस्ट और अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन जो है हर एक सेट में आपको देखने को मिल जाएंगे फिलर टेस्ट। तो आज हम लोग उसी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर पूछा गया था, उसी में से कुछ क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। आइए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका क्लोज टेस्ट नंबर 1। द कोरोना वायरस मोस्टली थ्रू ड्रॉपलेट्स दैट पीपल शेंड डैश व्हेन दे टॉक स्नीच और कफ। दिस यूजुअली डोंट से, यहाँ पे से नहीं स्टे होना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोग स्टे कर लीजिएगा, STAY। दीज यूजली डोंट स्टे इन द एयर डैश एंड दे डोंट गो फार्दर दैन 6 फिट। बट द कोरोना वायरस माइट ऑल्सो ट्रेवल डैश टीनी एरोसॉल पार्टिकल्स दैट कैन लिंगर इन द एयर फॉर अप टू 3 आवर्स एंड ट्रेवल फार्दर अवे। यू माइट ऑल्सो कैच द कोरोना वायरस इफ यू टच समथिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन डैश एंड देन टच योर आईज नोज और माउथ। ध्यान से देखने की ज़रूरत है, हमें ऑप्शन को हमेशा एलिमिनेट करने में फोकस करना है। तो क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, द कोरोना वायरस डैश मोस्टली थ्रू, ठीक है, ड्रॉपलेट्स। तो ड्रॉपलेट्स से कोरोना वायरस क्या गोस, ऑप्शन तो कट जाएगा, होगा नहीं, प्रिपेयर बनता नहीं है, एक्सपेंड होता नहीं है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्प्रेड, यानी कोरोना वायरस फैलता है। ठीक है, सही आंसर हमका क्या हो गया, स्प्रेड्स। देखिए ध्यान से फिर आगे, दैट पीपल शेंड व्हेन दे टॉक स्नीच और कफ। और जब लोग स्नीच करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, बात करते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स है वो बाहर की ओर आता है। तो बाहर आने के संदर्भ में क्या यूज़ करेंगे, देखिए अपार्ट और अवे ऑप्शन तो हो जाएगा नहीं, और इन भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो जाएगा। सही आंसर क्या जाएगा आपका, सेंड आउट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सेंड आउट। ठीक है, फिर देखिए आगे, दिस यूजुअली डोंट से स्टे इन द एयर, ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं हवा में बहुत देर तक नहीं रह पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समय आना चाहिए इन द एयर एंड दे डोंट गो फार्दर देन 6 फीट, और ना ही 6 फीट से अधिक दूरी तक वो ट्रैवल कर पाता है। ट्रैवल करने का सेंस मतलब 6 फीट की अधिक दूरी तक, जहाँ पे जो मान लीजिए जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके खांसने, छींकने, बात करने से अगर कोरोना वायरस मतलब उससे वो चीज़ें स्प्रेड भी होती है, तो वो 6 फीट तक ही उसका रेंज रहता है ना, वही कह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन को इलिमिनेट करिए इसमें, जैसे यहाँ जो दिया था 3 नंबर में, तो ये तो ऑप्शन कट गया। अगर इसी में मान लिया जाए, यहाँ पे 2 लॉन्ग दिया होता है, ऐसे 2 होता, 2 और लॉन्ग, तो हम लोग इस ऑप्शन को सोच सकते थे, राइट। ठीक है, एक ऑप्शन हमारा कट गया, आगे देखते हैं। फिर लिखा इन लॉन्ग, ये भी ऑप्शन कट जाएगा हमारा, और एनी लॉन्गर। देखिए अब एनी लॉन्गर और फॉर लॉन्ग में देखिएगा, आप जानते हैं एनी लॉन्गर जो सेंस होता है ये ऑलरेडी तो नेगेटिव वर्ड को शो करता है, मतलब बहुत लंबे समय के लिए नहीं के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा था ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड यहाँ कर ही दिया था, तो क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर लॉन्ग यानी टाइम पीरियड को दिखाने के लिए यूज़ करेंगे। सही आंसर सी नंबर। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है उसमें कि कोरोना वायरस माइट ऑल्सो ट्रैवल, जैसे आपने ऊपर देखा ट्रैवल करता है वो, तो जिस माध्यम यानी मीडियम से ट्रैवल करेगा, तो मीडियम से ट्रैवल करने के अर्थ में क्या यूज़ करते हैं आप लोग, थ्रू यूज़ करते हैं, ऑप्शंस, बहुत सिंपल बात। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट कैन लिंगर इन द एयर फॉर अप टू 3 आवर्स एंड ट्रैवल फार्दर अवे। यू माइट ऑल्सो कैच द कोरोना वायरस इफ़ यू टच समथिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, यानी कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी चीज़ को टच किया है, अगर दोबारा उसी चीज़ को आप टच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कोरोना वायरस हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेट करिए इसको। देखिए वुड बी टच, वी के बाद V3 होना चाहिए, टच यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन ये कट जाएगा। ठीक है, ईज के बाद भी यहाँ पर या तो टचिंग या फिर टच होना चाहिए, अभी ऑप्शन कट गया। अब देखिए आर टचिंग और हैज़ टच्ड, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है कि एन इन्फेक्टेड पर्सन, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, ऑप्शन कट गया। सही आंसर हो जाएगा आपका B नंबर। ठीक है, तो इस ढंग से आंसर को करना है। नेक्स्ट, चलिए ये तो था क्लोज टेस्ट, आइए अब हम बात करते हैं फिलर के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। He was unpopular with his team as he was scheming end. देखिए unpopular पहले से यहाँ नेगेटिव वर्ड है, ठीक है,
तो नेगेटिव वर्ड जब दिया है तो स्वाभाविक है कि हम आगे जो भी ऑप्शंस करेंगे वो क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसी को डिफाइन करने के लिए जो एडजेक्टिव है क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किया गया है। तो विलिंग, हेल्पफुल, ये सब पॉजिटिव वर्ड ऑप्शन कट जाएगा हमारा, ऑनेस्टली पॉजिटिव वर्ड होगा नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कनाइविंग, यानी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यू रिक्रूट वॉज डैश टू इम्प्रेस हिज सुपीरियर्स, इन जो नए रिक्रूट जिनका हो रहा है वो अपने सुपीरियर्स को इम्प्रेस करने के लिए क्या है, सिंसियर हैं, कॉर्डियल है, इंटेंट है या ईगर हैं। तो आप जानते हैं ईगर के साथ प्रीपोजिशन टू आता है ना, यहाँ क्या क्या करेंगे आंसर, ईगर टू, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी ऑप्शन से आपको मतलब है नहीं, दे वेयर मेनी स्टूडेंट्स डैश ऑल द आंसर्स। देखिए यहाँ पर मेनी स्टूडेंट्स हमारा क्या है, एंटीसीडेंट्स है आप जानते हैं, और चूंकि ये पहले से पास्ट में तो आगे पास्ट में होगा, ऑप्शन ये कट गया आपका, सी नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं, हो नहीं। अब दोज न्यू या फिर हो न्यू करेंगे तो स्वाभाविक है, आपने मैंने अभी बताया आपको कि जब ये एंटीसीडेंट है तो आगे क्या चाहिए हमें, कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो हु आ दिया है, और ये पहले पास्ट में तो आगे पास्ट में, सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस डैश ऑफ एनी एविडेंस द पुलिस लेट द सस्पेक्ट गो स्कॉट फ्री, ठीक है, मतलब बिना कोई सबूत के पुलिस ने क्या कर दिया, उसे जाने दिया, लेट द सस्पेक्ट गो स्कॉट फ्री का मतलब उसे छोड़ दिया। तो इन द एब्सेंस, आप जानते हैं इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग बोलेंगे, है ना, ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग का मतलब ही होता है विदाउट समथिंग, ठीक है, सॉरी विदाउट के अर्थ में होता है, सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये एक जो सेट है आपका उससे पूछा हुआ सारा सवाल था, इसी ढंग से आगे है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए, आई एम श्योर देयर इज सम ट्रूथ इन द न्यूज़ देयर इज स्मोक फायर। देखिए न्यूज़ में कुछ सच्चाई ये है कि बगैर फायर के स्मोक तो हो नहीं सकता है, यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मली विदाउट आंसर कर देंगे डायरेक्ट, है ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, सही आंसर डी नंबर, ठीक है। आइए क्लोज टेस्ट नंबर सेकेंड देखते हैं, क्लोज टेस्ट नंबर सेकेंड, नवाब मीर उस्मान अली खान वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हैदराबाद द लार्जेस्ट प्रिंसेसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया, ही असेंडेड द थ्रोन डैश द एज ऑफ। देखिए मैंने बताया था आपको कि कभी भी हम लोग जब स्टेज की बात करेंगे, स्टेज का मतलब था अवस्था, जैसे 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, ऐसा बोलते हैं हम लोग ना, तो स्टेज यानी अवस्था दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रीपोजिशन ऐड का यूज़ करते हैं। यहाँ कर लीजिए आप लोग एट द एज ऑफ 25, क्या करेंगे आंसर, एट द एज ऑफ 25 एंड रूल्ड हैदराबाद फॉर 37 ईयर्स, ठीक है, ही डैश ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन एज द डैश पर्सन एट टाइम, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमेंट करिएगा, फिर वही बात है, हेड के बाद भी थ्री आना चाहिए, फीचर्ड होता तो आंसर होता, ये ऑप्शन कट गया, ईज के बाद भी थ्री होना चाहिए, फीचर्ड होता तो आंसर होता, ये भी कट गया ऑप्शन, और चूंकि यहाँ पे ही दिया है स्वाभाविक है कि सब भर क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए हैव नहीं होगा, ये भी ऑप्शन कट गया, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी नंबर, यानी वॉज फीचर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फिकर है तो ही वॉज फीचर्ड ऑन द टाइम मैगजीन एज द डैश पर्सन एट टाइम, ठीक है। तो आप जानते हैं कि द यहाँ पे लिखा हुआ है, आने आगे सुबले डिग्री होना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे रिच ऑप्शन होगा नहीं, रिचर भी नहीं होगा, और रिच का जो सुबलेडी बनता है वो मोस्ट नहीं बनता है बल्कि ई एस टी आग बनता है, यानी सही आंसर हो जाएगा रिचेस्ट, ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, फिर लिखा हुआ वहाँ पर कि ही वॉज द फिफ्थ, है ना, रिचेस्ट मैन इन 14 में फिल करना है क्या, रिचेस्ट मैन इन डैश हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आप जानते हैं दो नाउन जब भी आप जोड़ते हैं ऑफ से, यानी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है, फर्स्ट नाउन के पहले क्या करते हैं आप लोग, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द, यानी यहाँ हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड द रिचेस्ट इंडियन हु एवर लिव्ड, ही वॉज अ डैश रूलर हु इंक्रेज एजुकेशन साइंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ही वॉज अ, देखिए अब यहाँ पे इंक्रेज पॉजिटिव वर्ड है, ऐसे ऑप्शन को छाटिए आप लोग, जब ये पॉजिटिव वर्ड है तो ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड कोई भी ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन नेगेटिव यहाँ पे दिए हुए थे, देखिए ये हमारा नेगेटिव ऑप्शन है, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है, राइट आंसर विल बी बेनिवोलेंट, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आंसर करने होते हैं, ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज डैश अ लॉट टू लर्न फ्रॉम नेचर। देखिए
नेचर से सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब क्या यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, तो बहुत सारी के अर्थ में मतलब हार्डली नेगेटिव वर्ड है, ऑप्शन कट गया हमारा, ठीक है। ऑलमोस्ट और अबाउट ये भी अप्रॉक्स की बात करता है, यानी ये दोनों भी नेगेटिव वर्ड है, तो द राइट आंसर विल बी क्वाइट, यानी देयर इज क्वाइट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम नेचर। कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स इज़ वन ऑफ द डैश वन मस्ट टेक टू रिमेन सेफ फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, आप जानते हैं कि किसी मतलब चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन करना, ये किस बात की बात कर रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या प्रिकॉशंस, हैबिट्स ऑफ पॉइंट्स होगा ना यहाँ पे, सही आंसर प्रिकॉशंस करेंगे। देयर वॉज वंस अ वेरी किंग जूलियस सीजर हु वॉन्टेड टू रूल द होल वर्ल्ड, कोई भी इंसान जो दुनिया पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता है, इसका साफ मतलब है कि क्या होगा, कंटेंटेड सेटिस्फाइड हो नहीं सकता भाई, फेथफुल का कोई ऑप्शन बनता नहीं यहाँ पर, कि वफादार हो। एडवेंचरस ये तब होता है जब कोई कोई काम अब रिस्क कर लेते हैं, लेकिन दुनिया में शासन करना या रिस्क लेने ज़्यादा है एम्बिशियस होना, महत्वाकांक्षी कि हमें दुनिया जीतना है, ठीक है। राइट आंसर विल बी एम्बिशियस। तो ये था दो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के पूछे गए क्लोज टेस्ट और फिलर टेस्ट का कंपाइलेशन कलेक्शन, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मंटू सर पे उपलब्ध रहेगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, ले सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।